दरभंगा में नगर थाना क्षेत्र के बड़ा बाजार में बुधवार को अलंकार ज्वेलर्स में हुई 10 करोड़ की सोना और कैश की लूट की बड़ी वारदात की जांच जारी है। बता दें कि पटना से एसटीएफ और सीआईजी की टीम घटना की जांच करने पहुंची है। दरभंगा के आईजी अजिताभ कुमार के नेतृत्व में कई एजेंसियों की टीमें जांच में लगी है। गुरुवार को सीआईडी के डीआईजी रत्नमणि संजीव दरभंगा पहुंचे और घटनास्थल पर जांच पड़ताल की। और वहीं दूसरी तरफ सीआईडी के डीआईजी रत्नमणि संजीव ने कहा कि इस बड़े लूटकांड की जांच कई एजेंसियां एक साथ मिलकर कर रही हैं। उन्होंने कहा कि वे लोग अपराधियों के काफी करीब पहुंच चुके हैं। गुरुवार की देर रात तक लूटकांड के लाइनर का पता लग सकता है और कहा कि इस बड़ी वारदात का खुलासा कभी भी हो सकता है। पुलिस ने जो है बहुत गंभीरता से चुनौतीपूर्ण रूप से लिया है और अपराध अनुसंधान विभाग को भी अपनी सेवा इसमें देने के लिए जो है निर्देशित किया गया था। उसी क्रम में हम लोग यहाँ आए हैं आवश्यक जांच या आवश्यक परामर्श आवश्यक कार्रवाई के लिए, और हम लोगों ने अभी सारा जांच किया है और आगे की कार्रवाई हम लोग को करनी है। कोई दिशा मिला है सर? 24 घंटे हो गए हैं उससे ज़्यादा। दिशा तो मिला है ज़रूर, लेकिन अभी उसको बताना जो है उचित नहीं होगा क्योंकि उस पर कार्य चल रहे हैं। दरभंगा ब्यूरो के साथ आरोही सिंह की रिपोर्ट, एटीएन लाइव इंडिया।